तो FM की क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। लिखिए टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, हेडिंग लिखिए पहले। ये चैप्टर आपका 4 है और जो थर्ड चैप्टर पढ़ाया था आपको उसी के कंटिन्यूएशन में है, और इसका नाम है आपका टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखो कैपिटल बजटिंग की स्टार्ट तो पिछली क्लास में ही हो गई थी, जहां आपने देखा था कि मेरे पास कुछ इनिशियल क्या थे, कैश आउटफ्लो थे, फिर मेरे पास क्या आए थे, सबसिक्वेंट कैश इनफ्लो, और फिर क्या हुआ था, टर्मिनल, ध्यान दो, टर्मिनल कैश इनफ्लो। आपने सिर्फ इतना निकालना सीखा था ना। मुझे बताओ कि आप किसी अंजाम तक पहुंच पाए थे क्या? निकालना तो सीख लिया था आपने, अंजाम मतलब किसी डिसीजन तक पहुंच पाए थे कि मुझे कौन सा एसेट खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। सिर्फ आपने कैलकुलेशन करी थी कि ये पैसे लगेंगे, ये आएंगे और ये आएंगे, डिसीजन लेना तो बाकी था। डिसीजन कहाँ लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला गया टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन भी कहते हैं, क्योंकि हम इवैल्यूएट करेंगे, हम ये पता लगाएंगे, हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट, ये पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। समझ गए इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जो पिछले चैप्टर में हमने उसके इनफ्लो निकाले, आउटफ्लो निकाले, उस डिटेल्स के बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि ये कैपिटल एसेट्स मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे? तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे, और टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, तो आइए सबसे पहले मैं टेक्निक्स बताता हूँ आपको। इसको लिखिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये टेक्निक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका ट्रेडिशनल और दूसरा है आपका टाइम एडजस्टेड। टाइम एडजस्टेड, और इसको बोलते हैं, जानते हो क्या, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सबके बारे में बात होगी, पहला ट्रेडिशनल है, दूसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ट्रेडिशनल के दो मेथड्स दे रखे हैं आपको। ट्रेडिशनल का दूसरा नाम जानते हो क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग, जिसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं। और डिस्काउंटिंग क्या होता है अभी मत पूछो। इसके फर्दर दो मेथड्स हैं। पहला मेथड इसमें है आपको पे बैक पीरियड, और दूसरा आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको शॉर्ट में प्यार से ARR भी कह सकते हैं, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को ARR भी कह सकते हैं। ये जो आपका अप्रोच है, इसको, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ। सबसे पहला मेथड इसमें है NPV, नेट
प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं क्या, एनपीवी। इसका दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं पीआई और क्या। और इसका तीसरा है आपका डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक। और इसका लास्ट मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इसको शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं IRR, डिस्काउंटेड पेबैक में, सॉरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इतने सारे मेथड्स आपको दिखा दिया, तो कुल मिलाकर के कितने मेथड्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 मेथड्स हो गए। ये 6 मेथड्स खत्म हो जाएंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है 15 मार्क्स का, ठीक है ना। तो इसमें हम टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, आपको स्टार्ट करते हैं क्या करना, सीधा पे बैक पीरियड मेथड स्टार्ट कीजिए आप। पे बैक पीरियड ठीक है जी, स्टार्ट करें। सबसे पहला मेथड लिखिए पे बैक पीरियड। बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको रहने दो, सबसे पहले मैं अपने तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ और उसके हेल्प से सबको सिखाता हूँ, करते जाइए साथ साथ आप। मान लीजिए कि आपने एक मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज, और उसकी परचेज प्राइस कितनी है, एट द रेट रुपीज़ व्हाट, 1 लाख। सिंपल रखिए। पेबैक पीरियड क्या होता है, कितना टाइम में आपको ये 1 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि मैंने भी जब से वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाना शुरू किया है तो हमें भी काफ़ी सारे मशीन्स खरीदने पड़े, तो मेरी कोशिश क्या रहती है कि जितने पैसे मेरे लगे हैं फ्रॉम माई ओन पॉकेट, कम से कम उसकी रिकवरी जितनी जल्दी हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पे बैक पीरियड। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, समझ गए ना। तो याद रखिए पे बैक पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड इन विच योर इनिशियल मनी इन्वेस्टेड गेट्स बैक, रिटर्न बैक, आप वापस कर लेते हो। डेफिनेशन तो आप लिख लोगे खुद से ना। देखिए मैं बताता हूँ कि सपोज कि ये मशीन जो है ना आपका 5 साल चलने वाला है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये 5 साल चलेगा। इसमें सपोज कीजिए कि आपकी कैश फ्लो होने वाली है कितनी, पहले साल में 20,000, फिर आपका 30,000, फिर आपका 50,000, ठीक है ना, फिर आपका कितना 70,000। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़ेगा ही, कभी कम भी हो सकता है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिख रहा हूँ 80,000। ये क्या क्या है आपके, बता सकते हो, ये आपका कैश इन फ्लो। लेकिन मैं इसको क्यूमुलेटिव निकालना चाहूँ, क्यूमुलेटिव समझते हैं ना, पहले साल में कितना है तो नेक्स्ट ईयर में कितना होगा 50,000, फिर कितना होगा, फिर कितना होगा
और फिर कितना कितना, अच्छा देखो आप मुझे बताइए क्यूमुलेटिव मतलब होता है एडिशंस, तो मुझे बताओ कि 1,00,000 रुपया मेरा कब वापस आ गया, तीसरे साल में। तो इस सवाल के हिसाब से मेरा पे बैक पीरियड क्या हुआ, 3 ईयर्स, सिंपल हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे आप, पे बैक पीरियड इज व्हाट, 3 ईयर्स, कितना सिंपल हुआ। लेकिन हर सवाल में ऐसा तो नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली ऐसे फिगर दे देगा और कहेगा 3 ईयर्स में निकाल लो, 3 ईयर्स आपका पे बैक पीरियड हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर बहुत जल्दी कोर्स करना है तो आराम आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी आपने की तो उतना ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि अब आपका ईयर वन में 20,000 आ रहा है, ईयर टू में 29,000 आ रहा है, ईयर थ्री में 35,500 आ रहा है, ईयर फोर में 69,000 आ रहा है और ईयर फाइव में 75,000 आ रहा है। आप निकालो क्यूमुलेटिव, यहाँ कितना हो गया 20,000, ये कितना होगा, ये बताओ 49 + 35,500, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, 84,500, फिर 1,53,500 और 2,28,500। देखिए आप लास्ट तक आपने कितना कमाया, 2,28,500 तक आपकी रिटर्न आई है। लेकिन बच्चों इसमें एक जानने वाली बात यह है कि आपके जो इनिशियल पैसे लगे थे 1,00,000 रुपीस, वो आपका फोर्थ ईयर में रिटर्न आ रहा है, नॉट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, रादर एनीवेयर इन फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर के आखिरी में नहीं, ड्यूरिंग फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर के बीच में कहीं आ रहा है। लेकिन इतना तो पक्का पता है कि सर 3 साल तो लग ही गए, और 3 से कितना ज़्यादा लगा तो अभी पता नहीं है, ये पता है कि 3 से ज़्यादा लगा और 4 से कम लगा। तो कैसे निकालेंगे, यही तो सीखना है यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पे बैक पीरियड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पे बैक पीरियड, यहाँ लिखेंगे 3 ईयर्स। ओके सर क्यों, क्योंकि उतना तो कम से कम लगना ही है, एक्सक्यूज मी 3 ईयर्स तो लगना ही है ना, 3 ईयर्स तो लगना ही है, क्यों हार्ट बीट हो गया, 3 ईयर्स तो लगना ही है। अब मुझे बताइए कि सर 3 ईयर्स में बच्चे बताओ कितने पैसे आपके आ चुके हैं, 84,500 तो आ ही चुके हैं। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि और आपको कितना पैसा चाहिए, 15,500 और चाहिए, 15,500 आप ऊपर रख दीजिए जितना आपको चाहिए, और ये किस साल से आपको उम्मीद है, फोर्थ ईयर में आपकी रिटर्न कितनी है, 69,000 नीचे कर दीजिए। कहोगे सर क्यों, यूनिटरी मेथड है, 69,000 कमाने में अगर 1 साल लग गया तो 15,500 में कितना लगेगा, यही तो आएगा, यूनिटरी मेथड है, नहीं समझे, नहीं समझे तो यहाँ ब्रैकेट में समझ लो, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं।
69,000 के लिए अगर 1 ईयर लग गया तो 1 रुपये के लिए क्या लगेगा, 1/69,000, तो 15,500 के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लाई 15,500। आपने देखा है कभी इतना नीचे जाकर समझाते हुए किसी को? देखो बात यहीं पे खत्म हो गई थी, ठीक है ना। तो बताइए कितना आया, 3 ईयर्स प्लस व्हाट, पॉइंट 22। और भी कुछ है? 4637 6। 4, 6 इतना ही लिख लो, बहुत है। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 3.2246 ईयर्स। ये जो 0.22 है ये क्या हो गया, ईयर्स हो गया। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से ना, 12 से। 100 से क्यों, परसेंटेज थोड़ी है, करके दिखाओ कितना हुआ। 0.2246 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 46 को 12 से, शॉर्ट आप ओनली 12, 0.2246 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, 2.69 आया ना, 2.69 आया ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगले पेज पर कर दो, देखो देखिए अगले पेज पर मैं क्या करता हूँ, एक्सक्यूज मी, हाँ देखिए इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो आपका पे बैक पीरियड आया, देखिए कितना आया, 3 ईयर्स तो आया ही ना, और कितने मंथ्स हो गए बताओ, कितना आया था, 2.69। और भी कुछ आगे था, 2.6952 मंथ्स आया था। अगर मैं कहूँ तो क्या आया, 2 मंथ्स तो आया ही आया, 0.6952 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 0.6952 इंटू 30 20.85, 20.85 6। ये क्या आ गया, डेज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ईयर्स तो लगा ही लगा एंड 2 मंथ्स भी लगा एंड अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज लगा। वैसे ये एक तरह से समझ लो मैं मजाक ही कर रहा था आपके साथ, बात वही ख़त्म हो गई थी कहाँ पे, जहाँ मैंने आपको बताया था कितना, 3.2246, हाँ वही ख़त्म हो गई थी। ये आपका पे बैक पीरियड हो गया। मजाक का मतलब समझते हो, ये जो अभी किया ना यहाँ से यहाँ, ये मजाक था। तो अल्टीमेटली पे बैक पीरियड क्या था, 3.2246 ईयर्स। लेकिन ये अच्छा मजाक था, गलत मजाक नहीं था। कभी ज़िंदगी में अगर आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़े, डेज में कन्वर्ट करना पड़े, तो आप समझ गए, ठीक है जी। अब बताइए जब पे बैक पीरियड हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना पे बैक से रिलेटेड एक फॉर्मूला और था वो भी कर लें, और वो कौन सा था, वो था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो लिखिए, कहोगे सर लेकिन वो तो टाइम एडजस्टेड था, तो क्या हुआ, कोई भी काम हम कभी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखिए बाब, अब लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ठीक है बच्चे। इसको समझने के लिए उन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल मुझे फिर से बताइए जो मैंने अभी कराया आपको। उसमें पहला एग्जाम्पल क्या था, उसमें था आपको देखिए ईयर वन में आपकी कितनी लगी आउटफ्लो, सॉरी इनफ्लो कितनी आई है, 20,000। ईयर टू में, ईयर थ्री में, ईयर फोर,
ईयर फाइव, ये आपका। यहाँ पे एक चीज लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन आर एंड गिवन एन। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा रखा है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना आपको है। आर मान लीजिए यहाँ कितना परसेंट है, मान लीजिए 10% है, और एन तो आपको पता ही है, एन क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आप चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की चार्ट से मुझे निकाल के बताइए, बताओ ना क्या दे रखा। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की चार्ट से पता लगाओ कि 10% एंड एन क्या वैल्यू आया है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में देखो कि पहले साल में क्या वैल्यू है, गलत मत देखना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो, चलिए मैं ही दिखाता हूँ आपको, है चलो मैं यहाँ सिखा भी देता हूँ बच्चों को ना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसको बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका ये है, समझा भी देता हूँ यहाँ पे भी। देखो साफ साफ यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपको निकालना कितने का है। ऊपर देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख रखा है, और आपका यहाँ पे ईयर्स है, कहाँ ये नंबर ऑफ ईयर्स है, और ये परसेंटेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और ये 1%, 2%, 3%, 4, 5, 6, 7 एंड ऑन। आपको क्या चाहिए, 10% पे चाहिए। देखिए 10%, ठीक है ना, 10% पे क्या चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, यहाँ तक चाहिए। देख लिया आपने। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ तो मैंने समझा दिया, बताओ क्या क्या दे रखा है। पहले साल में क्या है, 0.909, दूसरा 0.826, फिर 0.751, 0.63। गलत होगा तो फिर आप जानो सर, आपने पलट दिया तो मैंने लास्ट वाले नहीं लिख पाई, लास्ट वाले नहीं लिखा, मेरे भरोसे ही थे क्या नहीं मिला उसके पास है। नहीं मिला, एक दो तीन चार पाँच, 0.621। चलिए चलिए अब जल्दी आगे बढ़िए, बहुत लेट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ये आएगा प्रेजेंट वैल्यू, बताओ कितना आया, मल्टीप्लाई करो, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 18,180, फिर जल्दी बताते जाओ, 30,000 इंटू 0.826, 780, फिर 37,550, एंड देन 46,410, 410, देन 49,680, बहुत अच्छा। अब आप क्या कीजिए, इसका क्यूमुलेटिव निकालिए, क्यूमुलेटिव निकालना जानते हैं ना आप। सबसे पहले तो क्या आएगा, 18,180 आएगा, फिर इसमें 24,780 प्लस कर दीजिए, 42,960, फिर ये प्लस कीजिए, 1,26,920, देन
176 600 सही है ना, ये क्यूमुलेटिव आ गया। अब सब कुछ सेम है, बस इसको डिस्काउंटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने 20,000 से क्यूमुलेटिव नहीं निकाला है, हमने पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव निकाला, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डिस्काउंटिंग। अब मुझे बताइए आप कि आपका जो 1 लाख रुपीज़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो वापस कितने साल में आएगा? नहीं पता है सर, लेकिन कम से कम 3 साल तो लग जाएगा। तो यहाँ निकालिए पे बैक पीरियड, क्या लिखोगे, 3 ईयर्स प्लस, फिर वही कहानी, फिर वही कहानी ना। yes, कौन सी कहानी सर, वही वाली। देखते हैं इसको, मेरा ही गोली मुझ पर चला रही है। 1 लाख रुपया आपको चाहिए था ना, उसमें से 80,510 रुपीस डिफरेंस आ गया 19,490। इनको डिवाइड कीजिए किससे, हाँ इस साल कितना आपको मिला है, क्योंकि जो भी शॉर्टफॉल है यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से, यहाँ से, तो 46,410। बताइए कितना आ गया, 3.4199 ईयर्स, ये आपका पेमेंट पीरियड हो गया। मज़ा आ गया, इसलिए इसको क्या बोला हमने, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। कौन ज़्यादा एक्यूरेट है मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं कहूँगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ही अच्छा है, क्योंकि मनी आज जो आपको मिलता है और जो आपको कल मिलता है उसमें किसका ज़्यादा वैल्यू है, आज का, क्योंकि मनी एवरीडे क्या करता है, अपनी वैल्यू लूज करता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, तो डिस्काउंटेड पेबैक टेक्निक्स इसलिए लगाया गया है, जो पैसा आपको 20,000 रुपया 1 साल बाद मिलेगा वो आज कितने के बराबर है, 18,180। अगर मुझे कोई इंसान ये कहे कि हम 1 साल बाद आपको 20,000 रुपीज़ देंगे, तो मैं उस इंसान से क्या कहूँगा कि भाई साहब मुझे आज कितना दे दो, 18,180। और ऐसा कहते वक्त मेरे दिमाग में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 10%, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, और कम हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है, डिस्काउंटिंग पे अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा होता ना, तो इसी का इस्तेमाल मैं करता किसके लिए, एनपीवी निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको यही सिखाता हूँ। आइए अगला मेथड लिखिए आप, क्या एनपीवी, एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सक्यूज मी, क्या होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस एक्सक्यूज मी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मैं आपका दिमाग चेक करता हूँ, मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इस सवाल में कितना है, इतना दिमाग लगाते हो, ये सब तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है और ये 1 साल की है, सही कह रही है, तो सब मिला के प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1,76,600। लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है, 1,76,600, और माइनस क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और वो क्या है, वो तो 1 लाख था ही ना, मशीन कितने की परचेज करी थी आपने, 1 लाख की, तो आउटफ्लो तो 1 लाख ही था ना, ओह आउटफ्लो कितने की थी, 1 लाख रुपए, और इनफ्लो क्या हुआ, 1,76,600। और ये कौन सी इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू है, माइनस करो और बताओ कितना आ गया, 76,600। बताइए एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है तो हमेशा वो प्रोजेक्ट क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है।
एन पी भी यहाँ आपको पॉजिटिव आ गया, एंड बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब इस मशीनरी के लिए क्या करेंगे आप, ओके ओके रिपोर्ट है, नहीं कहते आप ओके रिपोर्ट है, इस मशीनरी का रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, इसको आप परचेज करेंगे। इसका मतलब कहोगे क्या, आप पूछोगे सर इसका मतलब एन पी भी हमेशा पॉजिटिव चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए, जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा होगा, अगर एन पी भी जीरो आ गया तो मैं कहूँगा तो भी चलेगा, कैरी ऑन। हो सकता है कि आगे जा कर के आपको कमाई क्या मिलने लगे, अच्छा मिलने लगे, एन पी भी नेगेटिव आ गया तो भी कैरी ऑन, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने सोच रखा है कि कमाया हुआ माता पिता के धन को क्या करना है, बर्बाद कर देना है, तो कैरी ऑन, ठीक है ना। अदरवाइज ध्यान रखिए एन पी भी नेगेटिव होगा तो बिजनेस को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ बात है, राइट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करके आपको एक मेथड और सिखा देता हूँ। तभी तो ये पॉसिबल होता है कि मैं कोई भी काम क्या करता हूँ जो जनरली 8-9 क्लास में होनी चाहिए, एक दो क्लास में ही बढ़ा देता हूँ। देखिए खूब हाँ कोई बात नहीं चलेगा, मैं नेचुरली होना चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भी नेचुरली कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं कुछ नहीं करता हूँ, बस नेचुरल। अरे बाबा ये बताओ कि जैसे आपके साथ मैं बात करता हूँ वैसे मैं दुनिया वालों के साथ बात करता हूँ, सारे बच्चे जो घर बैठे क्या वो क्या ठूसेंगे दिमाग में क्या सारे कॉन्सेप्ट, नहीं वो भी पढ़ेंगे ऐसे ही नेचुरल तरीके से। अगर मैं ऐसे जल्दी जल्दी में न्यूज़ एंकर जैसे पढ़ा दिया तो कुछ रहेगा दिमाग में क्या, नहीं रहेगा। उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए वहाँ पे भी, घर पे भी जब वो करेंगे तो, ठीक है रिलैक्स हो जाओ, आइए वापस मुड़ते हैं। देखिए एक मेथड मैं और कराना चाहता हूँ, वो कौन सा मेथड है वो लिखिए बच्चों, कौन सा मेथड है अब वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जिसको मैंने क्या कहा था, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ, PI बोलता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दिख रहा है आपको ना ढंग से, मुझे यहाँ ब्लर दिख रहा, पता नहीं क्यों दिख रहा है ब्लर, समझ में अब कुछ लग रहा है ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ठीक लग रहा है। देखो इतना ही रहेगा, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है, लिखिए जल्दी से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो अब बताइए मुझे इस सवाल में कि इनफ्लो कितना था, 1,76,600 था, उसको डिवाइड कर दिए किससे, तो क्या आ गया 1.766। और देखिए PI की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो बिजनेस के लिए अच्छा है, और PI की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो बहुत नुकसानदायक है, इमीडिएटली बिजनेस बंद करो, इसके बारे में सोचो ही मत, इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अगर PI की वैल्यू 1 आ गई तो ठीक ठीक है, स्टिल यू कैन कैरी ऑन, ठीक है ना। तो आप ये चाहेंगे कि PI की वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए, ठीक है जी। देखो कितने कितने सारे फॉर्मूला उसको मैंने उड़ा दिया है। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बचता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन उसको तो आज कराने का वक्त मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक और फॉर्मूला है वो ही करा करके आज की क्लास को ख़त्म करूँ। और लिखिए आप ARR, ARR इसको फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग रेट
ऑफ रिटर्न, दिस इज ए आ रहा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पढ़े लिखिए क्या होता है ये चीज, एवरेज एनुअल प्रॉफिट एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स लेना, ये हालांकि कहने की बात नहीं है, ये होना ही चाहिए आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आप कहोगे सर एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या है, अगर ये पूछोगे आप मुझसे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, जितने साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर दो, डिवाइड। फिर पूछोगे सर एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, लिखिए आप एवरेज इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिखिए क्या, इनिशियल कैश आउटफ्लो, मतलब जो इनिशियल कॉस्ट है उसकी, इसको आप ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, समझ रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें प्लस क्या करेंगे आप, यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस, प्लस क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इसमें प्लस करेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, एक्सक्यूज मी, अब माइनस क्या करेंगे, जो इसकी सालवेज वैल्यू है, मतलब जो आपको बाद में रिटर्न मिल जाएगा, और इनको लो आप ब्रैकेट में, और इनके पीछे रख दो 1/2, मतलब जितनी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगी और जितने हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगे उसमें से सालवेज वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जानते हो एक तरह से क्या आया, ये आया कि इतना मशीनरी एक तरह से आपका कंज्यूम हो गया फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, बिजनेस, इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी बिजनेस में एग्जॉस्ट हो गई, समझ गए ना, और जो एग्जॉस्ट हो गया वही तो आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, और उसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं या यूं कहें कि 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या निकालते हैं, एवरेज। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, इसमें फिर प्लस कीजिए, 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कीजिए क्या, सालवेज वैल्यू, और क्या प्लस कीजिए, एडिशनल वर्किंग कैपिटल। कहोगे सर फिर से सालवेज वैल्यू प्लस क्यों कर दिया, मुझे बताओ कि सालवेज वैल्यू जो आपको मिलता है वो कब मिलता है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द मशीनरी लाइफ, तब मिलते ना आपको, लेकिन तब तक वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ था, बिजनेस में ही, तो वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो प्लस करेंगे। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल, भले ही आपको मिल जाता वापस, लेकिन जब तक आपने बिजनेस किया है तब तक वो पैसे भी कहाँ पड़े हुए हैं, बिजनेस में पड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, उनको भी आप प्लस करेंगे, ठीक है ना। ये सब क्या मिल गया, हो गया आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। पूछूं आपसे एक बार, इनिशियल प्लस इंस्टॉलेशन माइनस सालवेज डिवाइड बाय 2, प्लस सालवेज प्लस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज जो वेल्थ है, ये एवरेज हो गया। इस एवरेज को इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, ARR, ठीक है ना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो सवाल मुझे लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो आप, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक दो तीन बातें और बताता हूँ, सुनो। अगर मान लीजिए कि इन एवरेज में और कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट 1 साल की दे रखी है और कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस नहीं करेंगे, सालवेज कुछ माइनस नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्या लेंगे आप, वही इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। कभी कभार एवरेज ऐसा भी निकलता है, दिखा दो, जैसे मान लो आपको क्या कर रखा है ना,
देखिए इसी के साथ क्लास को आज बंद करेंगे। पहले ये बात समझा देते हैं आपको, हम ये ईयर वन है, ये ईयर टू है, ये ईयर थ्री है, ये ईयर फोर है और ये फाइव। आप देखिए कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दे रखा है। ओपनिंग कितना है 1,20,000, ठीक है ना, और क्लोजिंग कितना है 1,00,000। अगर मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करूँ और डिवाइड बाय टू करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, एवरेज। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू तो कितना एवरेज आएगा, 1,10,000। सिमिलरली यहाँ दिया हुआ 1,00,000, यहाँ दिया हुआ 80,000, डिवाइड बाय टू करेंगे प्लस करके क्या आ जाएगा। हर साल का एवरेज हम पहले अलग अलग निकाल रहे हैं। कहोगे सर ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हर साल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। पहले सुन लो फिर बताओ थर्ड में क्या है, 80,000 एंड प्लस 60,000, उसका हाफ क्या हो जाएगा, फिर 60,000 एंड प्लस 40,000, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 50,000 एंड 40,000 प्लस 20,000, हाफ क्या हो जाएगा, 30,000। हर साल का एवरेज निकाला हमने। अगर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं दी होती ना तो हम ये मानते कि ऑलरेडी मुझे क्या दे रखा है, एवरेज, हर साल की एवरेज दे रखी है। लेकिन जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिया होता है सवाल में, इसका मतलब हर साल का एवरेज इंडिविजुअली निकालना पड़ता है। मान गए ना। कहोगे सर जब सवाल में, एक्सक्यूज मी, जब ये सवाल में नहीं दिया हुआ था तो आप क्या करते थे, मान लो ये नहीं दिया हुआ था तो मैं क्या मानता था, मैं मानता था कि ये जो दिया हुआ है आपको ना, ये ऑटोमेटिक क्या है, एवरेज, हर साल की एवरेज। लेकिन यहाँ पे इतनी बात नहीं होगी, अब मुझे इसका फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा। अब तो निकाल सकते हैं हम, कैसे, सारे ईयरली एवरेज को प्लस करो, ये 3,50,000 आ रहा है, 3,50,000, और उसको किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 70,000। ये आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। मानते हैं बात को यहाँ तक, आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास रास्ता क्या और क्या करोगे आप, जो मैं अभी कहूँगा वही मानोगे आप, क्यों जी। उसने लिख रखा हुआ देखो ना वहाँ पे, 3,50,000 डिवाइड बाय 5 करो ना, लो चाहिए आपको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो फिर से लिखो, देखो क्या दिखना है। देखो तब तक मुझे लगता है कुछ और सिखाना चाहिए तो मैं देखता हूँ। ठीक है ना, तो देखो आपको बता दूं, अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ और नहीं दे रखा है तो वही एवरेज है। अगर हर साल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो पहले उसको क्या करेंगे हम, एवरेज निकाल के फिर एवरेज निकालेंगे। और एवरेज के साथ साथ अगर मुझे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज दे रखा है तो प्लस करेंगे। वो तो फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला है, कितना हद तक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा डिपेंड करता है कि आपको जानकारी कौन कौन सी दे रखी। सवाल करेंगे तभी तो समझाएंगे ना, हर चीज़ अभी नहीं समझा देंगे। लेकिन बच्चों मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मैं इतना तक तो समझा दिया आपको, IRR तो मैं अगली क्लास में समझाऊँगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ होमवर्क आपको मिल जाए। प्लीज़ आवाज़ नहीं कीजिए, सुनिए मेरी बात को। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, ये 4.1 से क्वेश्चन दिख रहा है, 4.1 से लेकर 4.2, 3, आप जानते हैं कि सारा सवाल नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन इन सवाल में जितने भी जगह IRR को छोड़कर निकालना है, पेबैक पीरियड, NPV, PI, ARR, वो 5-7 क्वेश्चन तक का करके आएंगे आप। और जब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, IRR की। आपको विश्वास नहीं होगा,
आइए यार समझाना, मैं इस तरह से बताऊंगा आपको कि मैं अपनी जान ही निकाल के रख दूंगा, देखना पक्की बात है। एक बार IRR समय में आ गया, कोई भी सवाल कहीं से भी कर सकते हैं, और इस टॉपिक में IRR निकालना ही मुश्किल है और सब तो आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क था ही आपके पास, ये बुक दिखा दूँ मैं आपको, बुक कौन सा है देख लीजिए एक बार, ये भी पहले मैं दिखा रखा हूँ पिछली क्लास में, ये फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और टैक्समैन की बुक है, RP रस्तवी जी राइटर है इसके, और ये बुक 13 एडिशन्स हैं, इसके एक दो एडिशन पुराने भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन इस बुक से मैं पढ़ाता हूँ, इसी से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए और ये आपको ऑनलाइन चाहिए, लाइव चाहिए, मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।